स्टूडेंट, आज बेटा हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक इन ई लर्निंग क्लास बाय सविता सांगवान। तो फैक्टर्स के लिए बेटा हम डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट चेक करेंगे। जैसे आज हम एप्पल से एग्जांपल लेंगे, और उससे पहले हम फैक्टर्स होते क्या हैं उसकी डेफिनेशन देख लें। फैक्टर्स मीन्स फैक्टर्स आर दोज नंबर दैट डिवाइड एनी नंबर कम्प्लीटली। तो जो नंबर जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, जिस केस में रिमाइंडर जीरो आता है, वो उसके सारे क्या हैं, फैक्टर हैं। तो उसके लिए हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं बेटा। तो आप देखिए, तो देखिए 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें उसकी यूनिट प्लेस को चेक करना है। अगर वो जीरो है या इवन नंबर है, हमने चेक किए इवन नंबर किए थे। इवन नंबर मींस जो 2 का मल्टीपल हो, तो वो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। तो साथ ही 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, अगर डिजिट का सम मल्टीपल है 3 का, तो वो 3 का डिविजिबल होगा। जैसे कि 15, 1 प्लस 5 कितना होता है बेटा, 6। आपको पता है 6 3 की टेबल में आता है, तो 6 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स 15 भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब 5 की डिविजिबिलिटी अगर आपने चेक करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी टेबल पे ध्यान देंगे। आपको पता है 5 की टेबल में यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 5 या फिर 0। तो अगर डिजिट में लास्ट जो यूनिट प्लेस है लाइक 25 5 है, या फिर 0 है, जैसे 20 0 है लास्ट में यूनिट प्लेस पर, तो वो नंबर क्या है, डिविजिबल है बाय 5। ओके, 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो क्या करेंगे, अगर नंबर डिविजिबल है बाय 2 एंड 3, तो इट विल बी डिविजिबल बाय 6। जैसे कि, क्योंकि वैसे भी बेटा आपको पता है 6 किस किस का मल्टीपल है, 2 और 3 का, तो 2 और 3 इसके फैक्टर हुए। तो अगर ये दोनों फैक्टर उसे डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 12, आपको पता है 12 का 2 की टेबल में भी आता है, 2 का वैसे भी लास्ट वंस प्लेस 2 की मल्टीपल है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, और इसकी डिजिट का सम 1 प्लस 2 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 2 और 3 से डिवाइड होने की वजह से ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है 6 के टेबल में आता है। इस तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है 9। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आपने क्या करना है, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय, शुड बी मल्टीपल ऑफ 9 और डिविजिबल बाय 9। कैसे, जैसे कि आपने 18 है, 18 का डिजिट का सम हो गया 1 प्लस 8 9, तो 9 जो है 9 का मल्टीपल है, तो आपको पता है जब इसका ये 9 का मल्टीपल है और 9 से डिविजिबल है, तो 18 भी 9 से डिविजिबल होगा। वैसे भी आपको पता है 18 जो है 9 की टेबल में आता है, तो 9 से डिवाइड होता है। ओके, तो 10 से कैसे चेक करेंगे, अगर यूनिट प्लेस 0 है, तो वो नंबर डिविजिबल है। आई थिंक इट इज़ क्लियर, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे देखिए बेटा, अब देखते हैं हम 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। अगर कोई नंबर 3 या ज़्यादा डिजिट का है, 3 और मोर डिजिट का है, और वो 4 से कैसे डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, अगर लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हैं या फिर मल्टीपल हैं 4 की। जैसे कि 400, लास्ट 2 डिजिट क्या है बेटा, 0 हैं, तो आपको पता ही है ये 400 4 से डिवाइड होता है। अब देखिए, और कोई नंबर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 124, इसमें लास्ट 2 डिजिट 1s और 10s प्लेस क्या है, 24 है, 4 से डिवाइड हो रही है। तो अब पूरे नंबर को चेक करते हैं, 4 का 12 2 डिजिट ले ली, 4 का 3 टाइम्स 12 होता है, तो 4 1 इज 4, पूरा नंबर भी क्या है, डिवाइड हो रहा है। इस तरह से आपको क्लियर होता है कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है, लास्ट 2 प्लेस चेक करनी है, 1s प्लेस अगर वो डिवाइड हो रही है, तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब 8s के लिए क्या करें, अगर कोई नंबर है 4 डिजिट या ज़्यादा डिजिट का, और उसकी हमें चेक करना है कि वे 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे, अगर वो 0 हैं या फिर 8 से डिविजिबल है, तो नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे कि 1000 ले लेते हैं, लास्ट 3 डिजिट क्या है, 0 है। अब पूरे नंबर को चेक करते हैं, 8 से 3 ये तो हो गई, और
एट से पूरे को डिवाइड करके देखते हैं, 8 1 इज़ 8, 10 को लिया, 2 लेफ्ट, 8 2 16, 4 लेफ्ट, अब इसको लिया तो 4 और 0 40 हो गया, 8 5 40, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है इस मेथड से। और लास्ट के 3 डिजिट देख लेते हैं किसी की भी, लाइक 1 2 5 6 ले लिया, लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करते हैं 8 से, 8 का 25 को लिया पहले, 8 का 3 टाइम्स 24, 1 लेफ्ट, 6 नीचे, 8 का 2 टाइम्स 16, पूरा ये डिवाइड हो रहा है। अब पूरे नंबर को चेक करते हैं, 8 1 इज़ 8, 4 लेफ्ट, 8 5 40, 5 लेफ्ट, 8 7 56, इस तरह से पूरा नंबर भी डिवाइड हो रहा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, नंबर कितना ही बड़ा हो सकता है, 8 डिजिट का भी हो सकता है, आपने सिर्फ लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है, और 4 में 2 डिजिट को लास्ट की, और 2 में 1 डिजिट को, इस तरह से आप इनकी डिजिट बढ़ती चली जाएंगी इसके उसमें। ओके, अब 12 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो आपको जैसे 6 में किया था, 12 अगर ये किस किस का फैक्टर है, 3 और 4 का, ये इन दोनों नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 12 से भी हो जाएगा। जैसे कि 6 में 6 किस किस का फैक्टर था, 2 और 3 का, तो 2 और 3 से जो नंबर डिवाइड हो रहा था वो 6 से भी हो जाता है। इसी तरह से आप 12 का चेक करेंगे। ओके, अब देखिए बेटा 7 से कैसे चेक करें। 7 से चेक करने के लिए हम लास्ट डिजिट को डबल करेंगे, देख लेते हैं, बड़ा सा थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 56, 6 को डबल किया 12, फर्स्ट स्टेप हो गया, टेक द लास्ट डिजिट, सेकंड स्टेप में लास्ट डिजिट को डबल किया और आप सब्ट्रैक्ट करना है, लास्ट डिजिट को डबल किया, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, बाकी बचे हुए नंबर को, बाकी क्या बचा है, 5, तो 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या क्या बच गया, 7, 7, 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 56, 7 के टेबल में आता तो वो डिवाइड हो रहा है। इस तरह से आप बाकी बड़े नंबर को भी चेक कर सकते हैं। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो आगे चलते हैं बेटा, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने डिफरेंस देखना है बिटवीन सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। वो अगर 11 की मल्टीपल या 0 आ जाता है वो रिजल्ट, तो क्या होगा, वो नंबर डिविजिबल होगा। देख लेते हैं, 121 हमें पता है 11 से डिविजिबल है, तो चेक करते हैं, 1 और 1 हम ओड प्लेस की डिजिट को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ गया, 2, और इवन प्लेस 2, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया बेटा, 0, और 0 क्या है, अगर 0 आ जाता तो वो 11 से डिविजिबल है। आप पूरे नंबर को चेक कर लीजिए, 121 के लिए आपने पहले किसको डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट लेनी पड़ेंगी, क्योंकि बैक चले गए हम, एक एक सेकेंड बेटा। तो यहाँ पे हमें इसकी 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि 11 2 डिजिट का नंबर है, तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमने 12 को ले लिया, 121 में से 12 को लिया तो 11 1 इज़ 11, 1 लेफ्ट, और नेक्स्ट 1 को नीचे ले आए तो 1 पे गया, तो इस तरह से पूरा डिवाइड हो रहा है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो इस डिविजिबिलिटी के बेस पे आप, तो बेटा डिविजिबिलिटी के बेस पे आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम एप्पल्स को डिवाइड करके देखते हैं, अलग अलग ग्रुप पे प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं, उसको कैसे किया हमने, पहले 12 के 12 ग्रुप एप्पल्स को एक ग्रुप में अरेंज कर दिया, तो 1 टाइम्स ऑफ 12 इज़ 12, हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि इक्वल इक्वल हो हर ग्रुप में। अब हम 12 को 4 4 6 6 में डिवाइड कर सकते हैं, 2 ग्रुप बन गए, तो 2 का 6 टाइम क्या होता है, 12। एक अरेंजमेंट ये हो सकती है कि हम उसको 4 4 के 3 ग्रुप में डिवाइड कर दें, जैसे कि अभी किया, तो अब कितने हो गए, यू कैन सी 3 का 4 टाइम्स 12। अब हम क्या करें, अब रिवर्स कर देते, 4 4 3 3 के 4 ग्रुप में डिवाइड कर दें, आप देख सकते हैं 3 3 के 4 ग्रुप बन गए, तो 4 का 3 टाइम्स क्या हो गया, 3 का 4 टाइम्स 12। अब हमने क्या किया, 2 2 के 6 ग्रुप बना लिए, तो हमें पता है 2 का 6 टाइम क्या होता है, 12। एक अरेंजमेंट ये हो गई। अब हम करते हैं 1 1 के 12 ग्रुप बना लिए, पहले हमने 12 का 1 बनाया था, 1 1 के 12 बना लिए, तो ये कितने बन गए, 12 1 इज़ 12, तो ये भी इसका फैक्टर बन गए। देखिए इसे फैक्टर का हमने देखा कि क्या देखा, कि 1 2 3 4 6 12
ये सभी इसके 12 के फैक्टर हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो डेफिनेशन की थी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे, रिमाइंडर 0 आए, तो वो उसका फैक्टर होता है। तो आप देखिए, वन जब हमने उसका वन ग्रुप बनाया था, वन से 12, वन ग्रुप 12 का बन गया था, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0। सेकेंड ग्रुप में देखिए हमने क्या बनाया था, सिक्स सिक्स के टू ग्रुप बनाए थे, तो टू से हमने सिक्स टू से जब डिवाइड किया 12 को, तो सिक्स पे गया, रिमाइंडर 0। थ्री 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 के फोर ग्रुप बनाए और फोर फोर के थ्री ग्रुप बनाए, तो आप देखिए दोनों केस में रिमाइंडर 0। सिक्स के टू बनाए थे और आप टू के सिक्स बनाए, तो अगेन रिमाइंडर 0। अब हमने वन वन के 12 बना दिए, तो 12 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इन सभी केसेस में रिमाइंडर 0 है। इट मीन्स व्हेन अ नंबर इज डिवाइड बाय वन ऑफ इट्स फैक्टर, देर इज नो रिमाइंडर लेफ्ट, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, रिमाइंडर क्या होता है, 0। सो इस तरह से ये सभी क्या हो गए, 12 के फैक्टर। और इसके लिए यानी हमें अगर फैक्टर चेक करना है, तो हमें काउंटिंग में स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 7 सबसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो जिनसे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया, वो उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। आगे चलते बेटा, हम 24 से इसी तरह से चेक करेंगे। तो 24 के फैक्टर चेक कर लेते बेटा। अभी इसी मेथड से हमने पहले 1 से चेक किया, रिमाइंडर 0, 2 से चेक किया, रिमाइंडर 0, 3 से डिवाइड हो रहा है। आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होगा, 2 + 4 टू डिजिट हैं इसकी, उनको ऐड करके क्या आया, 6 6 3 का क्या है, मल्टीपल है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हो भी रहा है। अब हम नेक्स्ट 4 की बारी आ गई, 4 को चेक करेंगे, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 4 का 6 टाइम 24 होता है। लास्ट टू डिजिट को वैसे भी हम डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग लास्ट टू डिजिट को चेक करते हैं, 24 4 का मल्टीपल है, 4 की टेबल में आता है, तो 6 पे गया, 0 रिमाइंडर। 5 से चेक करें डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, अगर वंस प्लेस 5 है या 0 है तभी डिवाइड होता है, तो यहाँ 4 था इसलिए डिवाइड नहीं हुआ, आप देख सकते हैं 4 रिमाइंडर आ गया, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अब हमें पता है 5 के बाद क्या आ गया, 6, 6 का 4 टाइम 24 होता है, तो रिमाइंडर क्या है, 0। और यहाँ से हमने एक चीज़ और देखी, फैक्ट ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया कि 4 का 6 टाइम था, 6 का 4 टाइम आ गया। अब 7 पे डिवाइड नहीं होगा, 7 का हमने लास्ट डिजिट 4 को अगर हम डबल करें, 8 आ गया, 8 में से 2 गए, बाकी बचे हुए नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, 6 7 का मल्टीपल नहीं है, तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद 8 ही आएगा, 8 से ही डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि या तो हम कह लें 3 का 8 टाइम्स या 8 का 3 टाइम्स, तो 8 से डिवाइड होगा, तो यानी फैक्टर रिपीट होंगे, अभी वही नंबर रिपीट होंगे जो पहले आ चुके हैं, तो यानी हम कह सकते हैं 1 2 3 4, सॉरी एक बार हम वही ओपन कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सभी क्या है, इसके फैक्टर हैं। तो अब देखिए बेटा, हम इसको दूसरी तरह से अरेंजमेंट अगर करें, तो 1 × 24 = 24, 24 × 1 = 24, कि या तो 24 का 1 ग्रुप बना दें या 1 1 के 24 बना दें, दोनों ही केस में क्या आता है, 24 रिजल्ट है, यानी 1 और 24 क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो 2 × 12 = 24, 12 × 2 = 24, तो दोनों केस में आप देख सकते हैं नंबर सेम है, 12 और 2, 2 और 12, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट सेम आएगा, मल्टीपल सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर। तीसरे केस में देखिए, इनको क्लियर कर देते एक बार, आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए 8 का 3 टाइम्स 24, तो 3 का 8 टाइम्स भी क्या होता है, 24। सो 3 और 8 क्या हो गए, इसके फैक्टर। आगे चलते हैं, 6 का 4 टाइम 24, तो 4 का 6 टाइम भी क्या होगा, 24। आगे पीछे लिखने से मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होता, तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, दूसरी सेंस में ये इनके फैक्टर हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सभी क्या है, इसके फैक्टर हैं। 1 2 3 3 4 6 8 12 24, और दूसरी सेंस में यहाँ से एक और कंक्लूजन निकलता है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। आपने पीछे देखा था कि 24 की टेबल में 24 आया,
यानी 24 भी अपना खुद का फैक्टर है। सेम इसी तरह से पीछे वाले में 12, 12 की टेबल में आ रहा है तो 12 उसका फैक्टर था, 12 से भी डिवाइड हुआ था तो 12 भी क्या है उसका, 12 का फैक्टर है। तो 24 24 का फैक्टर है, यहाँ से कंक्लूजन निकल गया एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ। तो वो खुद नंबर और वन हर किसी का फैक्टर होंगे, वन एंड दैट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर अपना और वन सबका फैक्टर होता है बेटा। ओके आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो आज आपने वर्कशीट 5 कैसे करनी है, पहले क्वेश्चन में आपने रिमाइंडर चेक करना है। अगर रिमाइंडर जैसे पहले एग्जांपल में देखिए 1 आ रहा है तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। दूसरी सेंस में हम वैसे भी देख सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से लास्ट डिजिट 5 या 0 नहीं है तो इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह बाकी को चेक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए 2 × 7 14 आया, यानी 14 इनका मल्टीपल है 2 और 7 का, और 2 और 7 क्या है इसके फैक्टर, तो 2 और 7 इस तरह से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर, तो 12 के एग्जाम्पल में आपने किए हैं, बाकी के भी इसी तरह से आप सारे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो लेट्स एंड टू डेज क्लास।